हमें ये वादा किया गया था जब हमने पहले दिन प्रदर्शन किया था कि अभी कुलपति जी मौजूद नहीं हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन अगले दिन जब वो आ जाएंगे तो आपसे बात करेंगे। हमने लिखित आश्वासन की मांग की थी, मगर हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया, लेकिन अपनी विभागाध्यक्षों की बात मानकर हमने प्रदर्शन उस दिन ख़त्म कर दिया। अगले दिन जब हम बात करने पहुंचे तो कुलपति जी हमसे बात करने आए। उन्होंने हमारी बातें सुनी, सबको बोलने का मौका दिया, मगर उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हमने उस समय कुलपति से मांग की थी कि पूरी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। उन्होंने हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मना किया था, मगर उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय की तरफ से जो रिकॉर्डिंग की जा रही है उसकी एक कॉपी आपको दी जाएगी। वो कॉपी हमें अब तक नहीं दी गई है। उस बातचीत के दौरान कुलपति जी ने हमारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी बात कही, करीब आधे घंटे के करीब अपना लेक्चर दिया और वहाँ से उठ के चले गए। उसके बाद हमने जो बातें उन्होंने वहाँ तत्काल कही थी, बिंदुवार हमने उन पे भी आपत्ति उठाई, मगर उन्होंने हमारी किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, उठकर अपने कैबिन में चले गए। फिर उन्होंने आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने 11 लोगों की समिति बनाई थी और 15 दिन का समय लिया था। हमने उसके बाद अपनी तीन तत्काल मांगे लिखकर उनको तुरंत दिया कैबिन में, मगर वो कैबिन से बाहर आके उन्होंने हमारा लेटर लिया और उन्होंने बिल्कुल लेके कहते ये कहते हुए कि ये हमारा आखिरी डिसीजन है, कहते हुए वहाँ से निकल गए। इसके बाद जब हम बच्चों ने ये सुना तो हम बाहर आके बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे। हमारे पास पूरे वीडियो अवेलेबल हैं। कुलपति जी का कहना है कि हम लोगों को आने जाने से रोक रहे थे, मगर हमारे पास वीडियो अवेलेबल है, आप साफ देख सकते हैं। हमने किसी को आने जाने से नहीं रोका, हमने किसी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। हम वहाँ बैठ करके भजन गा रहे थे, हमने यही तय किया था। मगर इस दौरान कुलपति कार्यालय से आदेश आया जिसके बाद पुलिस ने हम लोगों को उठा उठा कर सीढ़ियों से नीचे फेंका, हमारे साथियों को घसीट के नीचे ले जाया गया। किसी से कोई कुलपति विश्वविद्यालय प्रशासन कोई व्यक्ति देखने नहीं है आया कि छात्रों को कितनी चोट लग रही है, क्या हो रहा है, और बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उस पर छात्रों को बाहर निकाल के बिठा दिया गया। हम बाहर बैठे रहे, हम इंतजार करते रहे कुलपति आएंगे, हमसे बात सुनेंगे, हमारी बात सुनेंगे, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई हमारी बात सुनने आया। जिन छात्रों को चोट लगी थी उनके हाथ पैर से खून निकला था, मोच आई थी, उनके फर्स्ट एड की कोई व्यवस्था नहीं करवाई गई। फर्स्ट एड के लिए चीज़ें हम खुद लेके आए, हमने खुद अपने साथियों की मलहम पट्टी की, मगर कोई हमारी बात सुनने नहीं आया। उसके बाद जो मांगे उन्हें ऊपर मान लेनी चाहिए थी, करीब उसके बाद रात के करीब 8 बजे के करीब नीचे आए रजिस्ट्रार साहब। उन्होंने हमारी दो मांगे मांगी, मगर जो हमारी मेन मांग थी कि जो गलत बयानी की गई है विश्वविद्यालय की तरफ से उसका खंडन जारी किया जाए, वो करने से उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलवाई, पुलिस ने लाठी चार्ज करने की धमकी दी और वो बच्चों को जबरदस्ती उठाकर थाने में लगाए। थाने में बच्चों के कपड़े उतरवा के उनको चेक किया गया, बच्चों को हवालात में डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे बंद करके रखा गया, तरह तरह की बातें कही गई, उन पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की गई। उसके बाद बच्चों को मामला एमपी नगर थाने का था, बच्चों को 20 किलोमीटर दूर बिलथरिया थाने लेके जाया गया और फिर करीब 3 घंटे के बाद रात के 12 बजे के करीब बच्चों को एमपी नगर थाने लेके आए और एमपी नगर थाने में साइन करवा के बातें करके हमको वहाँ से छोड़ दिया गया। रात के 2 बजे बच्चे पैदल चल के अपने कमरों तक गए हैं, कोई सुविधा कहीं से कुछ उपलब्ध नहीं करवाया गया हम लोगों को। ये पूरा प्रकरण रहा है। उसके बाद पता चला कि कुलपति जी ने हम पे नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है, कल कुलपति जी ने कुछ और बच्चों पे भी करीब 25 और बच्चों पे एफआईआर दर्ज करवाई है। हमें तो जो हम पे कंप्लेन दर्ज हुआ उसकी कॉपी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई।